हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 12 यूपी बोर्ड अकाउंटेंसी लेसन फर्स्ट ख्याति का मूल्यांकन, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे ख्याति क्या है। ख्याति गुड विल, ख्याति जो है, ख्याति एक अदृश्य अस्थायी संपत्ति है। अदृश्य का मतलब इसको ना तो हम देख सकते हैं ना हम छू सकते हैं, इसको केवल महसूस किया जा सकता है। ख्याति का निर्माण एक प्रक्रिया के रूप में होता है, जिसका मूल्य तो होता है परंतु इसे देखा और छुआ नहीं जा सकता है, इसको केवल समझा जा सकता है। ख्याति जो है वो एक आकर्षण शक्ति है जो ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। ख्याति एक लोहे की चुंबक के लोहे ख्याति एक चुंबक के समान है जो लोहे रूपी ग्राहक को अपनी ओर आकर्षित करती है। ख्याति से व्यवसाय की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होती है, जिससे व्यवसाय अधिक लाभ कमाने में सक्षम होता है। ख्याति का अस्तित्व व्यापार के अस्तित्व पर निर्भर करता है, जब तक व्यापार रहता है तब तक ख्याति रहती है, व्यापार की समाप्ति के साथ ही ख्याति भी क्या होती है, समाप्त हो जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि ख्याति एक ऐसे चुंबक के समान है जो लोहे रूपी ग्राहक को अपनी ओर आकर्षित करती है। ख्याति को ना तो हम देख सकते हैं नाम छू सकते हैं, इसको केवल क्या किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। ये ऐसी अदृश्य स्थायी संपत्ति जिस पर कोई ह्रास नहीं लगाया जाता। अब ख्याति की विशेषता है, ख्याति की विशेषता जो है वो निम्नलिखित है। सबसे पहले ख्याति एक अमूर्त स्थायी संपत्ति है, मतलब ख्याति एक अदृश्य अस्थायी संपत्ति है, इसको ना तो हम देख सकते हैं ना हम छू सकते हैं, इसको केवल क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। व्यापारिक संस्थान की प्रसिद्धि के ऊपर ख्याति का मूल्य निर्भर करता है, जितना अधिक व्यापारिक संस्थान की प्रसिद्धि होगी ख्याति का मूल्य क्या होता है, उतना ही अधिक होता है। ख्याति का निर्माण बहुत सारे तत्वों के मिश्रण से होता है, ख्याति को व्यवसाय से पृथक या अलग नहीं किया जा सकता है। ख्याति का जन्म व्यापार के साथ होता है और व्यापार की समाप्ति के साथ ही ख्याति का भी क्या होता है, अंत हो जाता है। अगली विशेषता जो है, यह अतिरिक्त लाभ या अधिलाभ कमाने में सहायता करती है। व्यवसाय की ख्याति में कई तत्वों का सृजन होता है या व्यवसाय की ख्याति कई तत्वों पर निर्भर करती है। और लास्ट जो है, ख्याति का संबंध व्यापार की लाभार्जन क्षमता के ऊपर निर्भर करता है। ख्याति का महत्व निम्नलिखित है। पहला, ख्याति वह दर्पण है जो व्यापार का सही और सच्चा चित्र प्रस्तुत करता है, मतलब जिस प्रकार दर्पण में हम अपना चेहरा देखते हैं कि वो सही है या नहीं, उसी तरह व्यवसाय का सही आर्थिक प्रतिबिंब जो पता चलता है वो ख्याति से चलता है। ख्याति व्यापार की सुदृढ़ आर्थिक स्थिति को प्रतिबिंबित करती है। ख्याति के विषय में ये तीन पंक्तियां महत्वपूर्ण है, यदि पूंजी की हानि होती है तो कुछ भी हानि नहीं होती, यदि ग्राहकों की हानि होती है तो कुछ हानि होती है, और यदि ख्याति की हानि होती है तो सब कुछ समाप्त हो जाता है। ये ख्याति का महत्व है। अगला, ख्याति की प्रकृति, ख्याति का स्वभाव या ख्याति की प्रकृति चार प्रकार की। पहला, कुत्ते के स्वभाव की ख्याति, दूसरा बिल्ली के स्वभाव की ख्याति, तीसरा चूहे के स्वभाव की ख्याति, चौथा खरगोश के स्वभाव की ख्याति, जिसमें सबसे पहला है कुत्ते के स्वभाव की ख्याति। कुत्ता जो होता है वो अपने स्वामी का भक्त होता है, यहाँ स्वामी जाता है उसके पीछे पीछे कुत्ता ले जाता है। इस प्रकार के व्यवसाय की ख्याति जो होती है वो स्वामी से जुड़ी रहती है, यदि स्वामी किसी विशेष व्यवसाय से अलग हो जाता है तो स्वामी के साथ साथ उसकी ख्याति भी व्यवसाय से अलग हो जाती है।
और ग्राहक उसी जगह से सामान खरीदते हैं जहां पर व्यवसाय का स्वामी जाता है। इस प्रकार के व्यवसाय की ख्याति का मूल्य अपेक्षाकृत कम होता है, क्योंकि इसका संबंध केवल किसी विशेष व्यक्ति से ही होता है। जैसे टाटा बिरला अगर किसी संस्थान से अलग हो जाए तो उसकी ख्याति भी क्या होती है, टाटा बिरला के साथ अलग हो जाती है। इसलिए ऐसी व्यवसाय की ख्याति का मूल्य कम होता है, क्योंकि इसका संबंध व्यवसाय के स्वामी से होता है। जब तक स्वामी व्यवसाय से जुड़ा रहता है तब तक उस व्यवसाय की ख्याति होती है, और जैसे स्वामी व्यवसाय से अलग हो जाता है स्वामी के साथ साथ उसकी ख्याति भी उससे अलग हो जाती है। दूसरा, बिल्ली के स्वभाव की ख्याति। बिल्ली पुराने घर को पसंद करती है, चाहे स्वामी अपने घर को छोड़कर के चला जाए परंतु बिल्ली अपनी जगह को नहीं बदलती। इस प्रकार की व्यवसाय की ख्याति का मूल्य स्थान विशेष से होता है। यदि स्वामी अपने स्थान को छोड़कर चला भी जाता है तो भी व्यवसाय की ख्याति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ महत्व जो है वो व्यक्ति का न होकर के स्थान का होता है। जैसे अलीगढ़ के तारे, तो अब अलीगढ़ के ताले जो है वो कौन व्यक्ति बना रहा है इससे मतलब नहीं है, बल्कि महत्व जो है वो स्थान अलीगढ़ का है। इसलिए इस प्रकार के व्यवसाय की ख्याति का मूल्य जो होता है वो अधिक होता है। तीसरा, चूहे के स्वभाव की ख्याति। चूहे का जो स्वभाव होता है कुत्ता और बिल्ली से बिल्कुल भिन्न होता है। चूहा एक स्थान पर स्थिर नहीं रहता है, वो हमेशा इधर उधर घूमते रहता है। इस प्रकार की व्यवसाय की ख्याति का मूल्य स्थिर नहीं होता है, वो हमेशा परिवर्तित होते रहता है, और इस प्रकार की ख्याति का कोई विशेष मूल्य नहीं होता है। चौथा, खरगोश के स्वभाव की ख्याति। खरगोश जो है वो केवल अपने आस पास के वातावरण से प्रभावित होता है, वो अपने निवास स्थान से कुछ दूर तक जाना पसंद करता है। इस प्रकार के स्वभाव वाले ग्राहक या खरगोश के स्वभाव वाले ग्राहक मुख्यतः अपने आस पड़ोस की दुकान से क्या करते हैं, वस्तुओं को खरीद लेते हैं। तो ये ख्याति का चार स्वभाव है, कुत्ता, बिल्ली, चूहा, खरगोश, जिसमें सबसे अधिक मूल्य जो होता है वो बिल्ली के स्वभाव की ख्याति का होता है, क्योंकि उसका महत्व स्थान से होता है। और कुत्ते के स्वभाव की ख्याति का संबंध व्यापार के स्वामी से होता है, स्वामी अलग तो ख्याति भी अलग। बिल्ली के स्वभाव की ख्याति का महत्व स्थान से होता है, यदि स्वामी अलग भी हो जाए व्यापार से तो उस पर ख्याति पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। चूहे के स्वभाव की ख्याति का मूल्य विशेष नहीं होता, वह हमेशा इधर उधर होते रहते हैं। और खरगोश जो होता है वह अपने आस पास के वातावरण से प्रभावित होता है, खरगोश के स्वभाव वाले ग्राहक मुख्यतः अपने आस पड़ोस की दुकान से ही वस्तुओं को खरीद लेते हैं। अब ख्याति की उत्पत्ति। ख्याति की जो उत्पत्ति होती है वो ग्राहकों के व्यवसाय के प्रति विश्वास से होती है, जो व्यवसाय की प्रसिद्धि एवं समय के साथ साथ क्या होती है, बढ़ती जाती है। जैसे जैसे व्यवसायिक संस्था का प्रति ग्राहकों का विश्वास बढ़ते जाता है, वैसे वैसे ख्याति का मूल्य भी क्या होता है, बढ़ते जाता है। वो संस्था अन्य फर्मों की तुलना में अधिक लाभ कमाने में सक्षम होती है। तो ख्याति जो है वह वर्तमान की कुशलता एवं भविष्य के अच्छे लाभों की सृजन का प्रतिबिंब है। यदि वर्तमान में हम अच्छा कार्य करते हैं तो भविष्य में हमें अच्छे लाभ प्राप्त होने की संभावना होती है, और यही ख्याति का उपार्जन या उत्पत्ति का कारण है। ख्याति के प्रकार। ख्याति दो प्रकार की होती है, पहला क्रय की गई ख्याति और दूसरा स्वयं उत्पन्न हुई ख्याति या अर्जित ख्याति। पहला क्रय की गई ख्याति, परचेज मूल्य, यह ख्याति उस समय उत्पन्न होती है जब किसी व्यवसाय को क्रय किया जाता है। व्यवसाय के विक्रय के समय क्रेता एवं विक्रेता के बीच ख्याति का मूल्य निश्चित किया जाता है। क्रय की गई ख्याति का मूल्य हम निम्न प्रकार याद कर सकते हैं, परचेज कॉस्ट ऑफ गुडविल परचेज, और परचेज गुडविल इक्वल टू परचेज प्राइस ऑफ बिजनेस माइनस नेट वैल्यू ऑफ एसेट्स परचेज, नेट वैल्यू ऑफ एसेट्स परचेज इक्वल टू सन्ड्री एसेट्स माइनस सन्ड्री लायबिलिटीज या नेट एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। इस प्रकार की ख्याति को हम लोग आर्थिक चिट्ठे में दिखाते हैं, और फिर धीरे धीरे इसका क्या किया जाता है, अप्लिकेशन कर दिया जाता है।
तो ख्याति दो प्रकार की होती है, क्रय की गई ख्याति और स्वयं उत्पन्न हुई ख्याति या अर्जित ख्याति। क्रय की गई ख्याति उस समय उत्पन्न होती है जब किसी व्यवसाय को खरीदा जाता है। व्यवसाय के विक्रय के समय क्रेता और विक्रेता के बीच ख्याति का मूल्य निश्चित किया जाता है। क्रय की गई ख्याति बराबर या क्रय की गई ख्याति का मूल्य बराबर नेट वैल्यू ऑफ परचेज प्राइस ऑफ बिजनेस माइनस नेट वैल्यू ऑफ एसेट्स। नेट वैल्यू ऑफ एसेट्स इक्वल टू सन्ड्री एसेट्स माइनस सन्ड्री लायबिलिटी। और इस प्रकार की ख्याति को हम लोग आर्थिक चिट्ठे में दिखाते हैं और फिर धीरे धीरे इसका क्या किया जाता है, अपलेखन कर दिया जाता है। और दूसरा है स्वयं उत्पन्न हुई ख्याति। स्वयं उत्पन्न हुई ख्याति जो है वो व्यवसायिक उपक्रम के लाभार्जन में महत्वपूर्ण योगदान करती है। इस प्रकार की ख्याति का मूल्यांकन का प्रश्न फर्म के पुनर्गठन के समय होता है, जब साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन हो, जब कोई नया साझेदार साझेदारी फर्म में प्रवेश करे, जब कोई साझेदार साझेदारी फर्म से अवकाश ग्रहण करे, या किसी साझेदार की मृत्यु हो जाए, या दो से अधिक फर्मों का एकीकरण हो जाए, तो इस प्रकार की ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है। इन दशाओं में ख्याति या प्रीमियम की राशि देय होती है जिसने लाभ के हिस्से का त्याग किया। तो जो साझेदार लाभ के हिस्से का त्याग करता है उस साझेदार को ख्याति या प्रीमियम की राशि दे होती है। ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता, ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता व्यवसाय के स्वरूप पर निर्भर करती है। साधारणतः ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता व्यवसाय के विक्रय के समय पर पड़ती है, परंतु एक साझेदारी फर्म की दशा में ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता निम्नलिखित दशाओं में होती है। पहला, जब साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन हो। दूसरा, जब कोई नया साझेदार साझेदारी फर्म में प्रवेश करता है। तीसरा, जब कोई साझेदार साझेदारी फर्म से अवकाश ग्रहण करता है। चौथा, जब कोई साझेदार जब किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है। पांचवा, जब किसी फर्म के व्यवसाय को बेचा जाता है। और छठा, जब दो या दो से अधिक फर्मों का एकीकरण किया जाता है तब ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। तो इस निम्नलिखित दशाओं में ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता पड़ती है, और ये मुख्यतः साझेदारी फर्म के लिए है कि जब किसी साझेदार के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन हो, जब कोई नया साझेदार साझेदारी फर्म में प्रवेश करे, जब कोई साझेदार साझेदारी फर्म से अवकाश ग्रहण करे, या किसी साझेदार की मृत्यु हो जाए, या जब किसी फर्म के व्यवसाय को बेचा जाता है, और लास्ट जब दो या दो से अधिक फर्मों का एकीकरण हो जाए। ख्याति के मूल्यांकन को प्रभावित करने वाले तत्व या ख्याति के मूल्य को प्रभावित करने वाले तत्व या घटक, ख्याति के मूल्य को प्रभावित करने वाले प्रमुख तत्व या घटक निम्नलिखित है। फर्स्ट है व्यवसाय की प्रकृति। यदि व्यवसाय दैनिक वस्तुओं के उपयोग से संबंधित है तो इस प्रकार के व्यवसाय की ख्याति अधिक होती है, क्योंकि इस प्रकार के व्यवसाय में लाभ की मात्रा अधिक होती है। इसी तरह व्यवसाय यदि फैशन की वस्तुओं से संबंधित है तो ऐसे व्यवसाय की ख्याति का मूल्य कम होता है, क्योंकि इन वस्तुओं की मांग हमेशा परिवर्तित होती रहती है, इनमें लाभ की मात्रा निश्चित नहीं होती। तो स्थिर प्रकृति वाले व्यवसाय की ख्याति अधिक होती है और अस्थिर प्रकृति वाले व्यवसाय की ख्याति कम होती है। जोखिम, जिस व्यवसाय में जोखिम की मात्रा अधिक होती है उसमें ख्याति का मूल्य कम होता है, और जिस व्यवसाय में जोखिम की मात्रा कम होती है उस व्यवसाय में ख्याति का मूल्य अधिक होता है। एकाधिकारी शक्ति, एकाधिकारी प्राप्त व्यवसायिक संस्था के लाभ सुनिश्चित होते हैं, इसलिए उनके ख्याति का मूल्य भी क्या होता है, अधिक होता है। चौथा, अनुकूल स्थान, यदि व्यवसाय अनुकूल स्थान पर है तो ऐसे व्यवसाय की ख्याति अधिक होती है, जैसे रेलवे स्टेशन के पास खाने पीने की दुकान है, तो ऐसे व्यवसाय की ख्याति क्या होती है, अधिक होती है, क्योंकि वहां पर ग्राहकों का आना जाना लगा होता है। यदि व्यवसाय अनुकूल स्थान पर स्थित नहीं है तो ऐसे व्यवसाय की ख्याति कम होती है। वांछित पूंजी, यदि व्यवसाय में पर्याप्त पूंजी लगी है तो उस व्यवसाय की ख्याति अधिक होती है, यदि व्यवसाय में पूंजी की कमी है तो ऐसे व्यवसाय की ख्याति कम होती है। प्रबंध कुशलता, यदि व्यवसाय का प्रबंध कुशल प्रबंधकों के द्वारा किया जाता है तो व्यवसाय के लाभ में वृद्धि होती है और ऐसे व्यवसाय की ख्याति अधिक होती है। विशेष लाभ, कुछ व्यवसायिक संस्थाओं को विशेष लाभ प्राप्त होते हैं जिससे उनकी ख्याति का मूल्य भी क्या होता है, अधिक होता है, ये विशेष लाभ है।
कम मूल्य पर कच्चे माल को सुनिश्चित आपूर्ति, लाभप्रद वस्तुओं की आपूर्ति हेतु ठेका प्राप्त होना, ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट, तकनीकी ज्ञान, शोध विकास की सुविधा इत्यादि। ऐसे व्यवसाय में ख्याति का मूल्य जो होता है वो अधिक होता है। तो ये सारे तत्व है जो ख्याति के मूल्य को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। बस आज के लिए इतना ही, फिर कल। थैंक यू।